नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको गुड़ बैकिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं बिल्कुल लाइव। बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको किस तरीके से गुड़ बनाया जाता है। ये देखिए किसान भाइयों, आज हम आए हैं अपने भाई के खेत पर और देखिए उधर लेबर वगैरह अभी गन्ने की कटाई कर रहे हैं और ये गन्ना अभी लाकर डाल दिया गया है। अब पूरी प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कार्य हो रहा है। सबसे पहले गन्ने को काट कर लाकर ट्रॉली के माध्यम से यहाँ पर कुड़ेल दिया जाता है। फिर यहाँ से देखिए दीदी लोग ये मशीन है उसमें डाल रही हैं, पर वहाँ से ये रस निकलते जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से रस निकल रहा है अभी। और ये बता दें हम आपको, ये 15 HP की मोटर है और ये इसका बेल्ट के द्वारा ये चल रही है। और इसका देखिए पूरा लंच का वगैरह भी निकल रहा है, तो इसको वो ट्रॉली में इकट्ठा करके उधर सूखने डाल देते हैं। वो खाली खेत में दिख रहा है उस तरीके से। अब देखिए अब रस इधर आते जा रहा है और ये पूरा टैंक है, ये इसमें पूरा रस इकट्ठा होते जा रहा है। बिल्कुल प्योर रस है, कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। ये पूरा इकट्ठा हो जाता है, इसमें 100 से 200 लीटर रहता है। उसके बाद अगली प्रोसेस आती है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ रे छनकर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये गर्म होने लगा है, काफ़ी गर्म हो जाता है। इसमें देख सकते हैं आप दाने वगैरह भी आ गए हैं। फिर इसके बाद सेकंड प्रोसेस रहती है, चम्मच के माध्यम से इसमें डालते हैं। फिर यहाँ पर से देखिए काफ़ी फेद वगैरह बनने लगा है, ये मीडियम में हो गया है। 3 बॉयलर रहते हैं इसमें और लास्ट में वाला रहता है, तो इसमें देखिए कितने हाई टेम्परेचर है, लगभग 600 से 700 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ये देखिए भैया आप किस तरीके से निकाल रहे हैं इसमें, इसी तरीके से इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस तरीके से देखना, अभी यहाँ से बन जाएगा, फिर ये नली के माध्यम से यहाँ पर से आके जाएगा, यहाँ पर ये डब्बे में भरते हैं। ये दो दिख रहे हैं इसमें बनाने के लिए, वहाँ से देखिए दो लाइन दिख रही है वहाँ से, तो फिर यहाँ पर आएगा। भैया देखिए अभी निकालेंगे कुछ देर में, इस तरीके से कार चलते रहता है। देखिए भैया अभी इसको थोड़ा ठंडा हो गया है गुड़, तो ये लगभग 10 किलो के डब्बे हैं, तो इसमें अभी डाला जा रहा है इस तरीके से। बिल्कुल शुद्ध गुड़ है, बिना मिलावट का। ये देखिए भैया भर रहे हैं, इसमें लगभग आधे घंटे का टाइम तो लग ही जाता है और कंटिन्यू वहाँ से रस ऐसा प्रोसेस है, आते जाते हैं और इस तरीके से भरते जाते हैं। फिर इन डब्बे को अभी ले आकर यहाँ स्टोर रूम में रखते हैं, फिर उसको खोलते हैं, तो फिर वो इस तरीके से सैगी निकल जाती है। और वो देखिए दीदी लोग जो हम सुखा रहे हैं, जो पलारी है उसको इकट्ठा कर रही हैं और वहाँ नीचे भट्टी में डाल देते जाता है, जो कि ईंधन का काम करती है, जैसे प्रदूषण भी कम होता है और कार्य भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है वो की है चिमनी, क्योंकि यहाँ से जो भट्टी का जो धुआं रहता है उसको निकालने के लिए ये चिमनी लगी है, लगभग 10 से 11 फीट की है। तो देखिए इससे किस तरीके से धुआं निकल रहा है, तो इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि ये नेचुरल ही है, तो इसमें प्रदूषण नहीं होता है। भैया देखिए लेकर आ गए हैं ट्रॉली, इसी तरीके से कार चलते रहता है। अभी दूसरे भाई लोगों का पड़ रहा है अभी आज। ये देखिए इस तरीके से बॉलिंग प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू और गोड़ा बनते रहता है। ये गन्ने की क्वालिटी के हिसाब से रस निकलता है, ये थोड़ा मीडियम क्वालिटी का गन्ना है ये,